सो हेलो गाइज, व्हाट्सअप, इट्स अ होस्ट टेक्निकल डॉग्स। सो गाइज, आज की होंडा रिवेल 300 BSX के बारे में बात करेंगे, इंडिया में कब तक लॉन्च होने वाली है, उसकी प्राइस क्या होने वाली, बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलो गाइज, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। Yo, I'm deep in the game, yeah. So you best know my name, yeah. Fuck all the money and fame, yeah. इस वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आती है, इसमें जुड़ी भी कोई भी जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और भी मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है @technicaldogs, वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करें इंजन और गियर बॉक्स से। तो आपको 286cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल PGMFI के साथ इंजन देखने को मिल जाता है आपको, जो कि PGMFI यानी कि प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन है, जो कि होंडा का है। इस इंजन की मैक्सिमम पावर की बात करें तो 30.4 PS की पावर है, जो कि है 8000 RPM पे, और मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो 27.4 Nm का आपको टॉर्क देखने को मिल जाता है 6500 RPM पे। अब गाइज बात करें इसके इग्निशन की, तो फुल ट्रांजिस्टराइज इग्निशन आपको देखने को मिल जाता है। गाइज गियरबॉक्स की बात करें तो 6-स्पीड का आपको गियरबॉक्स इसमें आपको देखने को मिल जाता है। गाइज फाइनल ड्राइव की बात करें, जो कि इंजन की पावर टायर्स तक लेके जाएगी, तो ओ रिंग की सील्ड चेन वाली ड्राइव आपको देखने को मिल जाएगी इसमें। अब गाइज बात करें ब्रेक्स और टायर्स की, तो फ्रंट में आपको हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक मिल जाता है, जो फ्रंट ब्रेक है आपका हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक है, और जो गाइज रियर ब्रेक है वो होगा, वो भी सेम हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक होने वाला है। गाइज ABS की बात करें तो इसमें जी आपको ABS देखने को मिल जाता है, वो भी डुअल चैनल ABS के साथ में बाइक आती है। अब गाइस बात करें फ्रंट टायर की, तो 130x90x16 का फ्रंट टायर आपको देखने को मिल जाता है, और रियर टायर 150x80x16 का रियर टायर आपको देखने को मिल जाता है। गाइस फ्रंट व्हील की बात करें तो 16 इंच का फ्रंट व्हील देखने को मिलता है आपको इसमें, और रियर व्हील भी 16 इंच का इसमें आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ गाइस इसमें आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं, और इसके साथ ही अलॉय व्हील्स आपको देखने को इस बाइक में मिल जाते हैं। अब गाइस बात करें सस्पेंशन और चेसिस की, तो फ्रंट सस्पेंशन में आपको टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, और रियर सस्पेंशन जो है आपका डुअल शॉक एब्जॉर्बर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब गाइस फ्रंट व्हील के ट्रैवल की बात करें, यानी कि एक बार में व्हील चक्कर काटने में कितनी डिस्टेंस लेता है, तो 120 mm का फ्रंट व्हील का ट्रैवल है, और जो पीछे वाले रियर व्हील का ट्रैवल है वो है 100 mm का। अब गाइस बात करें डायमेंशंस और वेट की, वही सीट हाइट की बात करें तो 690 mm की इसकी सीट हाइट होने वाली है, और जो इसका व्हील बेस है वो 1490 mm का होने वाला है। अब गाइस बात करें बाइक के कब वेट की, यानी कि बाइक के वजन की, तो 165 kg का इसका वेट होने वाला है, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 11.2 L की फ्यूल टैंक की इसकी कैपेसिटी होने वाली है। अब गाइज अगर बात करें इंस्ट्रूमेंट कंसोल के फीचर्स की, तो आपको इसमें स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, टैकोमीटर देखने को मिल जाता है, ट्रिप मीटर देखने को मिल जाता है, ओडोमीटर देखने को मिल जाता है, क्लॉक देखने को मिल जाती है, फ्यूल वॉच देखने को मिल जाता है, और ये सारी चीज़ें आपको डिजिटल देखने को इसमें आपको मिल जाती है। अब गाइज बात करें बैटरी और लाइटिंग की, तो इसमें सबसे पहले तो आपको पास लाइट देखने को मिल जाती है, इसी के साथ साथ आपको बैटरी टाइप जो है उसमें मेंटेनेंस फ्री बैटरी देखने को मिल जाती है, और जो इसकी हेडलाइट होने वाली है वो होगी LED हेडलाइट, और जो टेल लाइट होगी वो भी LED टेल लाइट आपको देखने को इसमें मिलने वाली है। अब गाइस बात करें कंफर्ट और कन्वीनियंस के फीचर्स की, तो गाइस इसमें आपको इंजन किल स्विच देखने को मिल जाएगा, जिससे आप इंजन बंद कर सकते हो। उसके साथ गाइस आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि हर बाइक में मिलता ही है इस सेगमेंट में, और इस सेगमेंट में क्या आजकल तो हर चीज़ में मिलता है इलेक्ट्रिक स्टार्ट। उसके साथ गाइस बात करें तो आपको इसमें सेल्फ कैंसिलिंग इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएगा। गाइस अगर आपको पता नहीं है कि क्या होता है, तो गाइस जैसे आपने देखा होगा गाड़ियों में क्या होता है, ये आपने जैसे राइट का इंडिकेटर दिया, गाड़ी का स्टीयरिंग राइट घुमा के आप सीधा कर लेते हो तो इंडिकेटर वापस से बंद हो जाता है। वहीं सेम इसी में होगा, अगर आप राइट का इंडिकेटर दे के राइट मोड़ोगे बाइक को, फिर बाइक सीधी कर लोगे, तो उसके बाद इंडिकेटर अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर इसमें लगा मुझे। अब गाइस बात करें माइलेज और टॉप स्पीड के बारे में, जिसका सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो गाइस माइलेज जो होने वाली है इस बाइक की वो होगी 33.16 km/L, जो कि इसके सेगमेंट के हिसाब से 300cc के हिसाब से काफ़ी बढ़िया माइलेज है। और जो गाइस टॉप स्पीड की बात करें तो 105 km/h की इसकी टॉप स्पीड होने वाली, जो कि काफ़ी अच्छी है। अगर इस बात करें मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन की, जो मतलब इतनी ज़्यादा किसी को ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी टेक्निकल लॉक्स में हम आपको बता देते हैं, तो गाइस सबसे पहले जो इसका रेक है वो 30 डिग्री का होने वाला है, और गाइस जो इसकी ट्रेल है 110 mm की आपको ट्रेल देखने को मिल जाएगी इसमें। और गाइस जो कास्टर जो होने वाला है इस बाइक का वो होगा 28 डिग्री का। और गाइस आप में से जिनको पता नहीं है रेक ट्रेल और कास्टर का क्या मतलब होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि गाइस पहले मुझे भी नहीं पता था, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है क्योंकि कभी इसके बारे में ध्यान देना नहीं होता। लेकिन गाइस जो रेक होता है, जो आपका हैंडल होता है उसका जो एंगल होता है ज़मीन से, तो उसका बताता है हैंडल के हेड का एंगल। और उसके बाद गाइस जो ट्रेल होता है, तो वो जो टायर के नीचे के साथ जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है ग्राउंड के साथ, जो फ्रंट व्हील होता है उसके साथ, जब आपका हैंडल जहाँ से कनेक्ट होता है, जहाँ से व्हील के साथ, तो उसके साथ जो एंगल होता है वो बताता है, और उसकी जो लंबाई होती है हैंडल
से लेकर नीचे तक उसके बारे में बता दें। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया उनकी क्या क्या डिग्री, कितने एंगल है और क्या उसका साइज़ है। अब गाइस बात करें, ये सारी टेक्निकल टर्म्स खत्म हो चुकी है, तो गाइस अब उन दो चीज़ों का बात कर लेते हैं जिसके लिए सब इंतज़ार कर रहे थे, जिसके लिए हो सकता है आपने वीडियो देखी हो। तो गाइस इसकी प्राइस के बारे में बात करें, तो गाइस प्राइस तो होने वाली है 2,25,000 रुपये की इसकी प्राइस होने वाली है इंडिया में। अब गाइस इसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है वो टैक्सेस के हिसाब से, तो वो आप आगे देखना पड़ेगा। अब गाइस लॉन्च डेट की बात करें तो नेक्स्ट ईयर के मिड तक इसकी लॉन्च डेट एक्सपेक्टेड है। गाइस मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करना, इन्फॉर्मेशन काम आई तो कमेंट में ज़रूर बताना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना @TechnicalDogs, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और बाय।